प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां किसानों की फसल की डिजिटल खरीद और भुगतान होगा। आज पानीपत में उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से प्रदेश में सरसों और गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन और लोडिंग का खाका भी तैयार कर लिया गया है, बारदाने की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। डिजिटल प्रोक्योरिंग हमने प्लान बनाया है जिसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन कर ई खरीद के माध्यम से किसान को पेमेंट करी जाएगी उसके खाते में। वो अपने आप में इंडिया में मॉडल आने वाले भविष्य के लिए बनेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आढ़तियों को उनका 2.5% कमीशन समय पर दिया जाएगा। बाहरी राज्यों के किसानों की खरीद पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं उससे सभी किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने का अधिकार मिला है, लेकिन विपक्ष ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 7 लगते राज्यों के 10,000 रजिस्टर्ड किसानों को एक एक दाने की खरीद करेगी। उसमें ये लिबर्टी मिल रही थी मार्केटों के अंदर कि किसान कहीं बेचे कहीं खरीदे, तो आप लोगों ने मिसगाइड कर किसान को भ्रमित करने का काम किया। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने 10,000 से ज़्यादा किसान साथ लगते हुए राज्य के रजिस्टर भी किए हैं, वेरीफाई भी किए हैं और उनकी शेड्यूलिंग भी करी। और हमारा प्रयास है कि 1 तारीख से लेकर और मिड मई तक हरियाणा प्रदेश और साथ में दूसरे प्रदेशों के जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका एक एक दाना प्रॉपर तरीके से हम प्रिक्योर करेंगे।